वेलकम बैक टू चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी ब्लॉग। गाइज, काफी टाइम से आपकी डिमांड आ रही थी, कुछ अथॉरिटी के प्लॉट्स के वीडियो नहीं आए काफी टाइम से, तो आज कुछ समय के गैप के बाद आप फिर लौटे हैं अथॉरिटी के प्लॉट्स के ऑप्शन आपको दिखाने के लिए। और आज हम पहुंच चुके हैं जय माँ भगवती प्रॉपर्टीज के ऑफिस पर और सारी चीजें आपको बताएंगे किस तरीके से डील करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में डील करते हैं और क्या प्रोसीजर्स रहते हैं अथॉरिटी प्लॉट्स को खरीदने के लिए, और उनकी लीगैलिटी भी जानेंगे, कितना लोन मिलता है, कैसे कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं हमारे जीतू सर, जो कि जय माँ भगवती प्रॉपर्टीज़ के ओनर हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और हमारे व्यूअर्स के पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे, फिर हम एक सेक्टर कवर करेंगे जहाँ पर हम प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी भी दिखाएंगे। तो पहले आप बताइए, आपकी कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है? हमारी ये जो कंपनी है 2017 से काम कर रही है जी। पहले हमने बिना कंपनी के काम किया 2-3 साल जी, लेकिन 2017 से हमारी रजिस्टर्ड कंपनी हुई है, फिर आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी कई कंपनियां बन चुकी है सर। कंपनी काफी सारी बन चुकी है आपकी। तो सर, आप कौन कौन सी अथॉरिटी प्लॉट्स के अंदर डील करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में डील करते हैं? हमारी जो कंपनी काम करते है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 6% किसान कोटे के जो प्लॉट होते हैं, नोएडा के हैं, आपका यमुना प्राधिकरण का है, तो हमारी कंपनी अथॉरिटी के प्लॉटों का ही काम करती है। मतलब प्रॉपर लीगल प्लॉटिंग करते हैं। दो तरीके होता है, एक तो होता है जनरल प्लॉट जी, जो अथॉरिटी अलॉटमेंट करती है। बिल्कुल सर। दूसरा प्लॉट ये होता है किसान कोटे का, जो अथॉरिटी किसानों की जमीन एक्वायर करते हैं, उसके बदले में उनको जो प्लॉट मिलता है। ओके, हाँ, वो काम करते हैं। तो सर, पहले हम जानना चाहेंगे ये जो प्लॉट्स होते हैं इनकी लीगैलिटी क्या होती है और किस तरीके से ये प्लॉट्स आप खरीदते हैं या फिर आगे सेल करते हैं, वो थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए। लीगल के लिए तो अगर हम आप बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण से अप्रूव्ड प्लॉट है जी। इन पे तो कोई शक है नहीं, ना हम फ्री होल्ड कोई यहां बिल्कुल, जहां अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है वो तो लीगैलिटी ठीक है, बट थोड़ा प्रोसीजर बताइए कि किस तरीके से यहां पर ये प्लॉट परचेज किए जाते हैं। होता है ये देखिए, किसान के नाम अलॉटमेंट लेटर मिलता है जी। किसान के नाम अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद हम इसको किसान के नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं, लीड डीड जी। लीड डीड होने के बाद सेकंड पार्टी के नाम ट्रांसफर टीएम कराते हैं जी। बिल्कुल। तो ट्रांसफर होने के बाद फिर ट्रांसफर डीड करा देते हैं, ये टीएम है। ओके सर, ये उसके बाद ट्रांसफर डीड होता है। सो प्रॉपर सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही आप आगे सेल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी। तो सर, अब हमें बताइए कि अभी जैसे कि नोएडा में काफ़ी सारे सेक्टर हैं अथॉरिटी के, तो कौन कौन से सेक्टर में आप डील करते हैं? ज़्यादातर हमारा जो काम है गौर सिटी से लेके आपका यमुना एयरपोर्ट तक किसान कोटे के प्लॉट ही हम सेल करते हैं। और अगर मैं बात करूँ क्या क्या मिनिमम साइजेस रहते हैं और क्या क्या प्राइसेस रहते हैं स्टार्टिंग? 50-60 मीटर से लेके आपको 2500 मीटर तक का साइज होता है हर सेक्टर में अवेलेबल रहेगा। तो सर, जो अथॉरिटी के प्लॉट्स होते हैं उनकी प्लानिंग किस तरीके से रहती है, लाइक उसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? ऐसा होता है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण या नोएडा प्राधिकरण, ये जो किसान कोटे के जो प्लॉट होते हैं आप इसमें 50% कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। Okay. अगर आप 100% करना चाहते हो तो उसका प्राधिकरण का एक जीओ होता है, तो जितना भी उसका सर्किट रेट के आधार पे जो भी चार्ज होता है तो प्राधिकरण में जमा करना पड़ता है, 100% के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, तो 50% अलाउड रहता है? 50% में अलाउड। तो कमर्शियल, अगर हम जनरल प्लॉट जो अथॉरिटी से अलॉटमेंट प्लॉट होता है तो उसमें कमर्शियल नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर ने बताया कि जो किसान कोटा प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं 50% तक, अगर उससे ज्यादा करते हैं 100% करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ ड्यूज पे करने होंगे अथॉरिटी को। और उसके अलावा अगर आप जनरल प्लॉट्स की बात करें जो ऑलरेडी अलॉटेड प्लॉट्स होते हैं तो उन पर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। सर, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा सा लोन फैसिलिटीज के बारे में, कितने टाइम में रजिस्ट्री हो जाती है, कुछ जीपे प्लॉट्स वाले क्या होते हैं, रजिस्ट्री वाले प्लॉट्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। ऐसा होता है, जीपीए एग्रीमेंट टू विल पे तो कोई भी बैंक लोन नहीं करता जी, बाकी अदर गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सब इन प्लॉटों पे लोन करते हैं। ओके, कितने परसेंट तक? जितने पे आप रजिस्ट्री कराते हो, सर्किट रेट 13,000 पर मीटर है, कॉर्नर का 15,000 पर मीटर लगा लो, उसका आपका 95% तक लोन होता है। अगर किसान के ऊपर डिमांड के ऊपर बात होती है, अगर किसान 20,000 पर मीटर का वाइट लेता है या 25,000 पर मीटर का वाइट लेता है तो उसका 95% आपका लोन हो जाएगा। तो अगर मैं मान के चलूं टोटल प्लॉट वैल्यू को लगभग कितने परसेंट तक लोन हो जाता है, ये आप लगाइए टोटल पे, वो 60-70% मान के चलें हो जाता है, 60-70% तक की लोन फैसिलिटी मिल जाती है। सर, अभी मैं अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं कौन से
सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी कौन कौन से सेक्टर में हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा बताइए। ऐसा होता है, आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं वो टेकजोन 7 बता रहे हैं जी, उसके अंदर आप थोड़ा सा बताइए। टेकजोन 7 में हमारे पास ये हमारे प्लॉट है 131 मीटर के 6 प्लॉट है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये 145 मीटर के प्लॉट है, ये 12 मीटर रोड है, 10 मीटर ग्रीन बेल्ट, 24 मीटर ये 80 मीटर रोड है, इसी तरह ये 24 मीटर है, 12 मीटर है, बीच का 6 मीटर है, 136 के 6 प्लॉट है, इसी तरह और भी अभी दूसरा मैप में है उसमें हमारे पास 131 मीटर के 6 प्लॉट है और 4 प्लॉट 162 के हैं, एक प्लॉट कॉर्नर का है 326 मीटर का। टेकजोन 7 में हमारे पास 131 मीटर से लेके आपका 2500 मीटर तक का प्लॉट है, तो मिनिमम जो साइज रहने वाला है 131 मीटर का रहने वाला है। बाकी इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स भी हैं आपके पास जहाँ पर छोटे साइज मिल जाएंगे। और सर अगर मैं बात करता हूँ जैसा आपने मैप में भी दिखाया, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया है ये क्या है? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है पूरा मास्टर प्लान के अनुसार बसा है, तो कहीं भी ये लोग सेक्टर डेवलप करता है प्राधिकरण, तो उसमें ग्रीनरी पे भी पूरा ध्यान होता है। अच्छा, और ये रोड्स कितने चौड़े हैं? 24 मीटर भी है यहाँ, 12 मीटर भी है, और सबसे अच्छी बात है कि 130 मीटर मेन रोड है, उससे बड़ा कनेक्ट जो 80 मीटर है, 80 मीटर से 24 मीटर कनेक्ट है, उससे 12 मीटर है। सर अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर ये जो सेक्टर्स हैं इसके आसपास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और पहले एक साल पहले अब तक जो हम पहले कवर करा करते थे तब से अब तक जो रेट में डिफरेंस आया है उसका रीजन क्या है? रेट का ऐसा मैं आपको बताता हूँ, उस समय एक साल पहले रेट कम थे, आज उनसे 2-3 गुना ज्यादा रेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो आप नोएडा एक्सटेंशन में बैठे हो, नोएडा एक्सटेंशन की क्रीम है जी, यहाँ दिन रात प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है। सामने 130 मीटर है, इसी पे मेट्रो की दूरी मुझे लगे 300-500 मीटर है इन प्लॉटों से। उसके बाद यहाँ अच्छे हॉस्पिटल है, स्कूल है, काफी सुविधाएं गवर्नमेंट ने। हाँ, तो गाइस सर बता रहे हैं सारी फैसिलिटी आपके हार्डली कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली है। मैं आपको बता दूं काफी बड़े बड़े फेमस स्कूल्स हॉस्पिटल्स आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाते हैं, जिसमें की श्री राम ग्लोबल है, VGS विजयनाथम है, फ्लोरेंस है, इन्फिनिटी है, इंस्पायर पब्लिक स्कूल है, रियान इंटरनेशनल स्कूल है। सो मेरे हिसाब से 10 से 15 बड़े इंटरनेशनल स्कूल हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल की दूरी की बात करूं तो हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको यशोदा हॉस्पिटल अभी हाल में यशोदा हॉस्पिटल का 10 एकड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो ओनली 1 किलोमीटर दूरी है। तो मतलब मेट्रो स्टेशन की बात करूं, सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन, और आप मान के चलिए नॉलेज पार्क 5 का मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 2-3 का मेट्रो स्टेशन, तो मतलब ऐसा नहीं है। देखिए जहां पर भी एक्सप्रेसवेज कनेक्टिविटी होती है, जहां पर आपका हाईवे कनेक्टिविटी होती है, वो वहां से जो भी लोकेशन नियर बाई होती है वहां पर डेवलपमेंट आना ही आना है। यहां से आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हैं, NS91 कनेक्ट कर सकते हैं, NS24 कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी जो 130 मीटर रोड है ये सीधे आपकी परिचौक जेवर तक जा रही है, एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर रही है, तो चारों तरफ से फुल कनेक्टिविटी इन सेक्टर्स की रहने वाली है, इसलिए हाई डिमांड है, सर का कहना यही है। तो सर जैसा कि आपने भी जिक्र किया, आज हम फोकस कर रहे हैं टेकजोन 7 सेक्टर पर, तो बहुत ही हाईटेक सेक्टर रहने वाला है, साइज भी आपने बता ही दिया है यहाँ पर, तो अब हम थोड़ा सा प्राइस ब्रैकेट जानना चाहेंगे, क्या प्राइस ब्रैकेट रहने वाला है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, थोड़ा सा बताइए। ऐसा होता है अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो लोकेशन क्या रेट होता है? बिल्कुल सर, हमारे पास 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए मीटर तक की प्रॉपर्टी है। अगर आप बड़ा प्लॉट लेते हो तो ये कि 2500 मीटर 2000 मीटर, तो 30,000 का भी मिल जाएगा, 40 का भी मिल जाएगा, लेकिन लोकेशन छोटे प्लॉट का ये है कि 50 से लेके आपका 1,00,000 रुपए मीटर तक का रेट है। अच्छा, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी बेस्ट लोकेशन। हाँ, तो इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। तो गाइस डिफरेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेकजोन 7 ही है, टेकजोन 7 एक प्रीमियम सेक्टर है जो कि प्राइम लोकेशन पर है, जिसमें कि आपको अच्छे प्लॉट्स मिल रहे हैं, साइज अच्छा मिल रहा है और लोकेशन भी अच्छी मिल रही है। बट ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के बजट कम भी होंगे तो उनके लिए कुछ अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कंपनी के पास ऐसा नहीं है एक सेक्टर में डील कर रही है, मल्टीपल सेक्टर में डील कर रही है, तो आप एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको जब आप विजिट पर आएंगे अपने रिक्वायरमेंट समझाएंगे तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ बताना होगा कि मुझे इस प्राइस ब्रैकेट में चाहिए, तो उस हिसाब से ऑप्शंस आपको शेयर कर दिए जाएंगे। सारी फैसिलिटीज़ बता दी, अथॉरिटी के प्लॉट लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, लीगल इशू तो कोई आता ही नहीं है, दूसरी चीज़ सारी प्लान टाउनशिप होती हैं और रेट का कोई दिक्कत नहीं आती, कोई घर बना के रहना चाहता है वो घर बना के रह सकता है, अपने सारा पेमेंट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करने के बाद में रजिस्ट्री वगैरह करा के आप अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। फैसिलिटीज सेक्टर के अंदर सारी हैं ही, बिजली पानी सीवर वगैरह सारा अथॉरिटी आपको करा कर देती है, ग्रीन बेल्ट आपको करा कर देती है, पार्क आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, डेली नीड्स की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं,
और जो भी लोग जिन लोगों ने लास्ट ईयर मिस करा उनके लिए ये टाइम अब आया है, जो अब मिस कर देंगे वो आगे नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो ये बात है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार जरूर आइए। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वीडियो के माध्यम से क्या ऑफर आप देना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वीडियो जब देखे तो कोई ऑफर जरूर मिले, तो जो भी व्यूअर्स कॉल करें आपके वीडियो से हमारे पास जो कस्टमर आएंगे उनके लिए हम 100 रुपए मीटर का डिस्काउंट करते हैं। 100 रुपए हम प्राइस रेट दे रहे हैं ना, तो उसमें 100 रुपए मीटर का आपके कस्टमर के लिए। सो गाइस, सर ने बहुत ही अच्छा ऑफर दे दिया आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप आते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना होगा, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आए वीडियो का, या फिर आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके ये बताना है कि हमने दिव्रुज प्रॉपर्टी ब्लॉग का वीडियो देखा है और हमें अथॉरिटी का प्लॉट चाहिए। तो उसके हिसाब से जब आप आएंगे तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो भी हमारे व्यूअर्स आए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनको डेफिनेटली डिस्काउंट जरूर प्रोवाइड करें। ऐसा होगा, जब आपका कोई भी कस्टमर आएगा तो आपका रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं लगेगा कौन कहां से आए हैं। रिसेप्शन पे आप दीजिए एक बार, या जो सेल्स मैनेजर हमारे उनको बताएं, वो जो उनका फाइनल रेट हो जाएगा बता देंगे तो फिर मेरे पास आ जाएंगे, मैं 100 रुपए का आपका डिस्काउंट। सो गाइस, इनका ऑफिस है यहाँ पर Tag Zone 7 में ही, मिलक लच्छी में। इनके ऑफिस का पूरा एड्रेस, गूगल लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फोन नहीं करना है, वॉक इन भी आ सकते हैं, और बस रेफरेंस देना है आपको यहाँ पर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और जो भी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो इस चैनल से, जुड़ जाएं जल्दी से, क्योंकि आने वाले कुछ जल्दी ही कुछ दिनों में मैं आपके लिए कुछ और सेक्टर्स कवर करने वाला हूँ, जो कि नोएडा, यमुना और अलग अलग सेक्टर्स होंगे अथॉरिटी के प्लॉट्स के। तो जल्दी से जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक अच्छे प्लॉट का ऑप्शंस भी जगह जगह पर आपको देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।